हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट एंड दिस इज वीडियो नंबर 20। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने रेवोल्यूशन अकाउंट और उसकी एंट्री पास करने के लिए। तो देखिए, इसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रेवोल्यूशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है, किस कंसेप्ट पर आधारित होता है। यहां पर हम रेवोल्यूशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से आपकी समझ में आ सके। रेवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के माध्यम से हम देखेंगे। साथ में रेवोल्यूशन अकाउंट की जनरल एंट्री भी कैसे पास की जाती है वो भी हम जान देंगे। तो आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपकी बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2019 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिन पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं, नहीं है तो वो मेरी सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स नोट करना चाहे वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, ये कह रहा है इसमें कि आपको रेवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और जनरल एंट्री पास करनी है पूरे क्वेश्चन की। तो यहां पर सबसे पहले हम रेवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो रेवोल्यूशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो हम देखेंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट मैंने आपको बताया था दो कॉलम्स के अंदर होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। सो अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट पर। मैंने बताया था आपको नेक्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो में कि असेट्स और लाइबिलिटीज की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो उनकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है उस पर आधारित होता है रेवोल्यूशन अकाउंट। तो हम एडजस्टमेंट में देखेंगे कौन कौन सी असेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज हमारी अप एंड डाउन हो रही है, केवल उन्हीं को ही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट आपकी एडजस्टमेंट क्या रही है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज बाई 5%। यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग 5% से अब क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इट मीन असेट्स कम हो रही है। तो कहां डालेंगे आप उसको, डेबिट साइड में डालेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर 3,50,000 रुपीज की है। तो 3,50,000 रुपीज पर आप 5% कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना आप पे आता होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100। ओके, इस प्रकार से आपने कैलकुलेट किया कि 5% डिक्रीमेंट कितना होता है, तो वो निकल के आया 17,500। सो डेबिट में लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना 17,500। ओके, इसके बाद सेकंड, वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज बाय 5%। मशीनरी की वैल्यू 5% से इंक्रीज हो गई, इट मीन बढ़ गई है। अगर बढ़ गई है तो आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में असेट्स बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है इनको। तो देखेंगे मशीनरी की वैल्यू मेरे पास 2,40,000 की है, जिसमें 5% से वो वैल्यूएशन बढ़ रही है। सो बाई मशीनरी अकाउंट आपने नोट किया कितना, 2,40,000 का 5%, और 2,40,000 का 5% कितना हो गया, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से। रफ वर्क है ये, केवल 12,000 रुपीज। सो 12,000 रुपीज आपके यहाँ क्रेडिट साइड में आ गए हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी लिख के, क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। इट मीन सन्ड्री डेटर्स पे 5% का प्रोविजन है, तो वो हमारे लिए लॉस हो रहा है, क्योंकि डेटर्स हमारे 5% से डाउटफुल डेब्ट्स हैं, जो पैसे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो ऐसी सिचुएशन में डेटर्स हैं तो 50,000 के, और 50,000 का 5% यानी कि 2,500 रुपीज। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो गया आपका,
ये हो गया डेटर्स 15,000 का 5% 2,500 रुपीज। ओके नेक्स्ट इज अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 रुपीज वाज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी कि आपकी मोटरसाइकिल थी 20,000 रुपीज की जो कि अनरिकॉर्डेड थी, अब उसको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, यानी कि असेट्स हमारी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। सो आप कहां डालेंगे इसे, क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स है वो, सो बाय मोटरसाइकिल के नाम से आप डाल देंगे इसको। ओके कितने का, 20,000 रुपीज का। नेक्स्ट इज आउट ऑफ सिंडिकेटर्स 10,000 इज नॉट पेबल। सिंडिकेटर 10,000 ऐसे हैं जिनका हमें पेमेंट नहीं करना है, इट मीन्स प्रॉफिट हो गया क्योंकि लायबिलिटी मेरी घट रही है, प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट साइड में शो करा देंगे कितना 10,000 रुपीज बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल का हमारा रेवोल्यूशन से कोई संबंध नहीं होता है, ये केवल एंट्री में वर्क करेगा, एंट्री में काम आएगा। नेक्स्ट इज सी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्ट्रक्शन द फर्म एट अ रेवोल्यूशन। सी को रिकंस्ट्रक्शन का कार्य दिया गया है और उसके बदले में उसको रेवोल्यूशन दिया जा रहा है कितने का, 5,000 रुपीज का, जिसके अंदर एक्सपेंसिस भी इंक्लूड है और एक्सपेंसिस हमारे पास 3,000 रुपीज के हुए हैं। तो इट मीन सी को हमने कितने पैसे दिए, 5,000 रुपीज दिए हैं टोटल, जिसके अंदर एक्सपेंसिस भी इंक्लूड है, तो रेमुनरेशन टोटल 5,000 रुपीज का हुआ, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं एज एक्सपेंसिस है, तो आप डेबिट साइड में शो करा देंगे। सो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू क्या नाम है इसका, सी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म एट अ रेमुनरेशन, सी को दिया गया है तो टू सी कैपिटल अकाउंट के नाम से आप शो करा देंगे 5,000 रुपीज, इसके अंदर एक्सपेंसिस ऑलरेडी इंक्लूड है तो उन 3,000 से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है जिससे हमारी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। ओके इन्वेस्टमेंट आपको दिए हुए हैं 1,00,000 रुपए के, जिसकी मार्केट प्राइस 90,000 रुपए हो गई, 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन इस लॉस को हम इसलिए नहीं लिखेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट के अंदर क्योंकि यहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 30,000 का, तो उस लॉस को मैं रिजर्व में से कंप्लीट कर लूंगा, इसलिए वो रेवोल्यूशन आइटम नहीं है। तो इतना ही रेवोल्यूशन के आइटम थे। अब हम आप इसका बैलेंस निकाल देंगे, तो बैलेंस वही उसी वही तरीका है निकालने का, क्रेडिट साइड टोटल लगाते हैं 20, 10, 30,000 एंड 42,000, इसका टोटल हुआ 42,000 क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड टोटल कितना हुआ वो देखते हैं, ये हो गया 22,500, 25,000, यानी कि क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है, डेबिट साइड आपकी कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने बैलेंस निकाला कितना आ गया, 17,000 बैलेंस आया, 17,000 बैलेंस आया, इट मींस प्रॉफिट है। सो यहां लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे 17,000, पार्टनर्स के नेम है एबीसी, 3 पार्टनर्स हमारे पास हैं, सो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और 17,000 रुपए को किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में। रेवोल्यूशन अकाउंट हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो एबीसी का जो रेशियो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 5:3:2 है, यानी कि जो ए का शेयर हुआ वो कितना हुआ, 17,000 × 5/10, और बी का जो शेयर हुआ वो कितना शेयर हुआ, 17,000 × 3/10, और सी का जो शेयर हुआ वो कितना शेयर हुआ, 17,000 × 2/10, निकाल दीजिए यहां से 8,500 और 5,100, 50,100, 30,400, ओके टोटल 17,000 रुपीज, टोटल 17,000 रुपीज आपका हो गया है, टोटल इक्वल दोनों साइड का 42,000 एंड 42,000, ये आपका रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, ये रफ कर रहे हैं।
ये वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हैं कि 70,000 को इस प्रकार से हमने बांटा है, ये रेवोल्यूशनरी अकाउंट कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी एंट्री की, तो आइए करते हैं रेवोल्यूशनरी अकाउंट की जनरल एंट्री। जनरल एंट्री देखिए कैसे किए जाते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ पीएनएल रेवोल्यूशनरी अकाउंट के समय पर, कि जनरल एंट्री करने का सिंपल वे है, रेवोल्यूशनरी अकाउंट की जो डेबिट साइड है इनकी अगर हमें एंट्री पास करनी है तो हम एंट्री पास कर देंगे। पहली जो एंट्री होगी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, क्या चीज, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, और डेबिट साइड की सभी आइटम को आप इसमें डाल देंगे जो असेट्स को कम कर रही हैं, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ओके, ये हमारा रेवोल्यूशन का है, रेवोल्यूशन का अलग से एंट्री पास करेंगे, केवल असेट्स कम होने की मैंने एंट्री पास कर दी है। कितने, लैंड बिल्डिंग 17,500 एंड प्रोविजन 2,500। ओके, टोटल 20,000 रुपीज से रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया है। सेकंड एंट्री रेवोल्यूशन ही पास कर देते हैं, ये आप बींग तो अपने आप लिख ही लेंगे इसमें नेरेशन। ओके, सेकंड एंट्री आप पास कर देंगे रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 5,000। ओके, और कोई डेबिट साइड का आइटम अभी नहीं है, क्रेडिट साइड की एंट्री पास करेंगे हम। क्रेडिट साइड की एंट्री के लिए आइटम डेबिट हो जाएंगे, रेवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। सो देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और टू रेवोल्यूशन अकाउंट, टू रेवोल्यूशन अकाउंट। ये हो गया आपका 12,000 का मशीनरी, 20,000 की मोटरसाइकिल, 10,000 के क्रेडिटर्स, ओके, एंड 42,000 का टोटल रेवोल्यूशन क्रेडिट साइड का। ओके, नेरेशन आप लिखी देंगे इसकी। फोर्थ जो प्रॉफिट निकल गया है आपका या लॉस निकल गया आता उसको ट्रांसफर करने की एंट्री पास करेंगे, तो डेबिट साइड का ही निकल के आ रहा है तो सीधी एंट्री पास कर देंगे रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 8,500, ए का 5,100, बी का 3,400, सी का टोटल 70,000 रुपीज। ओके, ये प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री होगी। रेवोल्यूशन की सारी एंट्री हम कर चुके हैं, अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी एंट्री हमारी रह गई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पुरानी जो बैलेंस शीट है, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है वो दे रखी है, जो गिवन है, उस बैलेंस शीट के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है या नहीं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है तो उस आइटम को हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो देखिए जनरल रिजर्व है आपका 60,000 रुपीज का, ये हमेशा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री पास करेंगे पहले हम, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, बांट के दिखा सकते हैं यहां जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व कितने का आपका 60,000 का है, तो ए 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10, 5:3 में ही पार्टनर है जो उनका ओल्ड रेशियो है, तो कितना हो गया 30,000, 18,000, 12,000। ओके, सो 30,000, 18,000, 12,000, टोटल 60,000 रुपीज जनरल लेजर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट। इसके अंदर आईएफआर है, आईएफआर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन आईएफआर में आपको क्लेम यहां पर गिवन है। क्लेम कैसे देखेंगे, असेट साइड में आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,00,000 रुपीज की है,
और उसको मार्केट प्राइस 90,000 रुपीज दिया हुआ है, इट मीन 10,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। और उस लॉस को कवर कहां से करेंगे हम, IFR से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करेंगे। सो इसके लिए एंट्री पास क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो कि क्लेम है हमारा 10,000 का हुआ जाएगा, और बाकी बचा कुछ है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ओके, तो देखिए 10,000 IFR कितने का है आपका, टोटल 30,000 रुपीज का है। पहली बार क्लेम कितने का हुआ, 10,000 का, यानी लॉस जो हुआ 10,000 का हुआ, यहां से कवर कर लिया हमने। बचे कितने मेरे पास, 20,000 रुपीज, और 20,000 रुपीज को आप 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितने को, 20,000 रुपीज को। तो एक आएगा आपका कितना, 10,000, इसको हम बांटेंगे 20,000 में, तो ये आएगा 6,000 और इसका आएगा 4,000। ओके, तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 30,000 हो गए होंगे, हो गए। तो ये आपका IFR इस प्रकार से बढ़ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं और कोई बांटने वाला आइटम है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये आपका लॉस है 5,000 रुपीज का, तो इसको भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए एंट्री पास करते हैं पार्टनर्स डेबिट, लॉस है तो इसको आप बांट रहे हैं। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, ये 5:3:2 में ओल्ड रेशियो बांट दिया जाएगा, कितना 5,000 रुपीज। सो 5,000 को मैंने ये भी 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कितना कितना आया, 2,500, 1,500 और 1,000। ओके, 2,500, 1,500, 1,000, टोटल 5,000 रुपीज। बटने वाले सारे आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे रहे क्या, केवल एक गुडविल, गुडविल वाला पॉइंट। तो देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा उस पर ध्यान देंगे। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फर्म्स की पहले गुडविल हमारे पास होनी चाहिए। सो फर्म्स की गुडविल पहले हम निकाल लेंगे, जो हमें केवल नहीं है निकालनी है, हमको गुडविल कह रहा है 2 ईयर्स परचेज है, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट के आधार पर आपको निकालनी है, जिसमें आपको दे रखा है लास्ट 3 ईयर्स के, यानी कि 50,000 रुपीज का लॉस हुआ है। ओके, इसके बाद 2,50,000 का प्रॉफिट है, प्लस 2,50,000 का प्रॉफिट है, यहां से आप एवरेज निकाल सकते हैं। पहले 2,50,000 प्लस 2,50,000 5 लैक्स, माइनस 50,000 4,50,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया आपका 1,50,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल कितनी होगी आपकी, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज मेरे पास कितने के हैं, 2 इयर्स के हैं, सो 3 लैक्स रुपीज, ये आपकी गुडविल निकल के आ गई 3 लैक्स की। अब इस गुडविल को जो हम बांटेंगे, तो ध्यान रखें रिकंस्टिट्यूशन जब भी हम करते हैं फर्म का, तो इस सिचुएशन में गुडविल को हमेशा एडजस्टेड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो एडजस्टेड रेशियो होता है वो गेन सैक्रीफाइंग शेयर जो निकालते हैं वो होता है, तो वो निकाल लेते हैं पहले। आइए, एज गेनिंग सैक्रीफाइजिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, तो ओल्ड शेयर कितना है, एक आप वो देखेंगे, ये है आपका 5/10, माइनस न्यू शेयर कितना है, एक का न्यू शेयर वगैरह इक्वल इक्वल बांटेंगे, यानी कि 1/3 है। ओके, एलसीएम लिया 30 आया, बराबर 5/30, ठीक है। नेक्स्ट बी का निकालेंगे ऐसे ही, गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस शेयर इक्वल टू
थ्री अपॉन टेन माइनस वन अपॉन थर्ड इक्वल टू 30, एलसीएम लिया ये आया आपका 9 माइनस 10 यानी कि 1 अपॉन 30 गेन। वैसे सी का निकालेंगे, सी गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल टू 2 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन थर्ड इक्वल टू एलसीएम लिया 30, 6 माइनस 10 यानी कि 4 अपॉन 30 ये भी आपका गेनिंग आया। ओके तो गेनिंग आया, इन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितना 3 लाख रुपीज को, तो 3 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ए का शेयर कितना आएगा, ए शेयर इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/30। ओके ये हो गया आपका कितना 50,000 रुपीज। बी शेयर निकालेंगे, बी शेयर में 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/30 ये आपने किया तो इसका आया 10,000। और सी शेयर निकालेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 4/30 ये आपने किया इसका आया 40,000 रुपीज। ओके तो एंट्री पास आप आसानी से कर सकते हैं, गेनिंग पार्टनर देयर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो एंट्री पास के लिए स्पेस मेरे पास नहीं, यहां कर देता हूं। गेनिंग पार्टनर्स कौन से हैं आपके, बी एंड सी, तो ये दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। सो एंट्री पास करेंगे हम बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ओके ये आपकी गुडविल की एंट्री पास हो गई। अमाउंट बी के 10,000, इसका 40,000 सी का, और ए का टोटल 50,000 रुपीज। ये आपकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास हो गई है। तो इस प्रकार से सारी एंट्री आपकी इस क्वेश्चन की कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर आपकी टोटल 8 एंट्री हो गई हैं और रेवोल्यूशन अकाउंट आपके सामने मैंने कंप्लीट बना के दिखा दिया है। तो आप इसको एक अच्छे से एक बार रिवाइज करें, क्वेश्चन आपके सामने है, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उस क्वेश्चन के आधार पर एक बार पुनः इसको करके देखें, और जहां जो डाउट आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को एक बार अच्छे से देखें, समझें, समझने के बाद तब दोबारा से इसी क्वेश्चन को पहले आप करके देखें, इसमें कोई डाउट आए फिर दोबारा से आप इस क्वेश्चन को, आप मेरी वीडियो को देखें फिर दोबारा इस क्वेश्चन को करके देखें, और उसके बाद इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन आप करें तो आई होप आपकी समझ में आ जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी बैलेंस शीट बताएंगे इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में, कि बैलेंस शीट किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। ओके वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।